शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, देखिए लेह लद्दाख के साल केंद्र सरकार ने उनकी मांगों के प्रति, उनकी मांग थी राज्य का दर्जा देने की, उनकी मांग थी विशेषाधिकार की, नौकरियों में आरक्षण की, उनकी मांगों के प्रति जो सकारात्मक रूप दिखाया है, चाहे ये हाल ही के अंदर जो काउंसिल के वहाँ पर चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की दुर्दशा के बाद जो है वह इस तरह का रुख अपनाया गया, और जो बातचीत का दौर उनका गृह मंत्रालय के साथ जो है शुरू होने जा रहा है 4 दिसंबर को, सबसे पहले तो हम उसका जो है पुरजोर स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के साथ कब जो है सौतेले व्यवहार पर पूर्ण विराम लगेगा, जम्मू कश्मीर के साथ वादे जो इन्होंने किए थे उसको कब पूरा किया जाएगा। आप देखिए केंद्र सरकार का 2 टर्म का कार्यकाल जो है वो पूरा होने को है, लगभग 9.5 वर्ष से ज्यादा उनका कार्यकाल सत्ता में हो चुका है। अब जम्मू कश्मीर के साथ, देश की आवाम के साथ अखंड भारत, अखंड जम्मू कश्मीर का वादा किया गया था, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का वादा किया था, मगर आज भी POJK आप देखो पाकिस्तान के साथ बना हुआ है। जो अखंड जम्मू कश्मीर का वादा करते थे उन्होंने ही 4.5 साल पूर्व 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटते हुए लेह लद्दाख को हमारे से अलग कर दिया गया, राज्य का दर्जा छीन लिया गया, हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जल्द वादा किया गया था राज्य लौटाने का, जल्द वादा किया गया था लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने का, मगर आज तक जमीनी तौर पर तमाम वादे ये जुमलेबाजी साबित हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर का हाल ये हो चुका है कि लगातार स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमारा व्यापार, रोजगार, शिक्षा संस्थाओं, यहां तक के प्रशासनिक उच्च पदों पर भी मैं तो कहूंगा कि गैर स्थानीय लोगों की भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज हम आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा लौटाया जाए, हमें हमारे यहां पर जल्द से जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल की जाए। इसके साथ ही हमारे से आपने धारा 370 छीनी है, हमें धारा 371 के तहत विशेषाधिकार दिए जाएं, जिसके अंदर हमारी संस्कृति पहचान की सुरक्षा हमें मिले, नौकरियों के अंदर हमें आरक्षण मिले, शिक्षा संस्थानों के अंदर हमें आरक्षण मिले। अगर केंद्र सरकार की तरफ से निकट भविष्य के अंदर सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो शिवसेना तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ सड़कों पर उतरेगी, एक विशाल जन आंदोलन को जो है वो आगाज किया जाएगा।